नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम कोल इंडिया का क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, किस टाइप का रिजल्ट आया है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है एंड हमारे लिए बेस्ट टेबल कहां पर रहेगा जहां पे हम एंट्री कर सकते हैं क्वार्टर फॉर FY23 का रिजल्ट आ जाने के बाद। डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, प्रॉफिट में यहाँ पे शार्पली ड्रॉप दिखने को मिला है ईयर टू ईयर बेसिस पर। अगर आप क्वार्टर फोर 2022 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्लियर कट 18% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू में यहाँ पे अप देखने को मिला है 17% के आसपास, लेकिन इबिटा एंड मार्जिन में ड्रॉप देखने को मिला है ईयर टू ईयर भी एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी। अगर आप December 2022 के साथ कंपेयर करेंगे वहाँ पे भी रेवेन्यू में सिर्फ जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन इबिटा में पैड में हर पैरामीटर में यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। उसके साथ इस स्टॉक ने आज डिक्लेयर किया है 4 रुपीज का डिविडेंड, जो कि एक ही है पॉजिटिव पॉइंट। रिजल्ट इतना खास नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ पे गैप डाउन या सप्लाई आ सकता है कोल इंडिया में। तो सप्लाई आने के बाद कौन सा लेवल पर हम एंट्री करेंगे अगर प्राइस यहाँ पे गैप डाउन होता है, नहीं तो करेक्शन करके नीचे की तरफ आता है। तो चलते अभी चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट में किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन हुआ है कोल इंडिया का और यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हूँ वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइस देखिए एक मोमेंटम लाइन के यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट किया है। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन ड्रॉ किया हो ना, ये हो गया मोमेंटम लाइन। इस लाइन को प्राइस देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर रहा है एंड जब भी अप मूव दे रहा है एक बार मोमेंटम लाइन को टेस्ट करता है, उसके बाद जाकर अप मूव देता है। उसके साथ रिजल्ट भी इतना खास आया नहीं है तो मेरा व्यू में अभी देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो स्टॉक ले बन रहा है इस जोन में बन रहा है, जो कि लेवल यहाँ पे नियरली 260 के आसपास। हाई प्रोबेबिलिटी कि जिस लेवल पर अभी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन इस स्टॉक के लिए अभी बन जाएगा 260 का। तो हमारा जो बेस्ट लेवल रहेगा फ्रेश एंट्री करने के लिए वो रहेगा ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पे जा रहा है ना, इस मोमेंटम लाइन के आसपास। प्राइस देखिए इस मोमेंटम लाइन को लगभग 4 बार यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है, अगर इस लेवल के आसपास आ जाएगा वो सबसे बेस्ट रहेगा इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए। लेवल क्या बन रहा है 205 से 200 के आसपास। अगर इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे जो एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री जा रहा है ब्लू लाइन, वो लेवल नहीं तो मोमेंटम लाइन के आसपास आ जाएगा, यहाँ पे जो कॉम्बाइन सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 200 से 205 का। अगर इस जोन में कोल इंडिया का प्राइस आ जाएगा हमारे लिए बेस्ट एंट्री बनेगा। उसके साथ भी रिजल्ट भी अच्छा आया नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे एक बार करेक्शन आ सकता है। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 200 से 205 के आसपास आ जाएगा वहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 260 यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है, एंड अगर करेक्शन करके नीचे मिल जाएगा तो यहाँ पे हम डिविडेंड का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो लेकिन हमको वेट करना है हमारे लेवल के आसपास आएगा तभी जाकर एंट्री करेंगे, वो लेवल रहेगा 200 से 205 का। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।